का चल रहा था और व्यंतर का पूरा किया था कि व्यंतर के पूजने में क्या क्या दोष होते हैं अथवा अपना क्या क्या बिगाड़ होता है, सबका वर्णन अपन ने किया था। व्यंतर आदि के पूजने का निषेध, ये प्रकरण पूरा चल गया। अब देखो आगे, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध, इनका वर्णन है पेज नंबर 173। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध, मोक्ष और प्रकाशक छठा अधिकार, पेज नंबर 173। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध। यहाँ कोई कहे क्षेत्रपाल दहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जो जिन मत का अनुसरण करते हैं उनके पूजन आदि करने में क्या दोष है, क्या चलो अन्य मत के भगवानों को मत मानो लेकिन जो देव हो जिनेन्द्र भगवान के मत का अनुसरण करते हैं, जिनेन्द्र भगवान के अनुचर है, जिनेन्द्र भगवान के मत के अनुचर है, ऐसे जो देव हैं इनकी पूजा करने में क्या दोष। यद्यपि इनमें से कितने ही तो ऐसे हैं जिनका जिनागम में अस्तित्व भी नहीं मिलता, जैसे कुष्मांडिनी देवी, ज्वालामालिनी देवी, तो ये देवी कपोल कल्पित है क्या, ये देवी संसार, ये देवी का कोई नाम ही नहीं आगम में। ऐसे क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल का नाम मिला आपको आगम में, कौन से देव होते हैं क्या, तो अनेक तो ऐसे हैं जिनके नाम भी अपने को आगम में मिलना दुर्लभ हो जाएंगे और जनता उनकी पूजा कर रही है। एक नाम दे दिया क्षेत्रपाल, जो इस क्षेत्र की रक्षा करेगा क्षेत्रपाल। अब क्षेत्रपाल कितने होंगे, किस किस क्षेत्र की रक्षा करेंगे, लेकिन जहाँ भी है हर एक क्षेत्र में बिठा दिया, ये इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं तो वहाँ की भी करते हैं, जहाँ बिठा दो वहाँ की रक्षा करते हैं क्या। नाम, उस नाम से अनेक कल्पनाएं कर रखी है, कोई अस्तित्व भी नहीं है उसका, चलो उसका तो नहीं है अस्तित्व, लेकिन जो धर्णेन्द्र पद्मावती इनका अस्तित्व तो जिनागम में अपन देखते हैं, तो इनके मानने पूजने में क्या दोष। आखिर अनुसरण तो जिनमत के करते हैं ना, जिनेन्द्र भगवान के भक्त है, उनके सेवक है, तो इनके मानने पूजने में अपना क्या बिगड़ता है, ऐसा प्रश्न है। अब उसका उत्तर, जिन मत में संयम धारण करने से पूज्य बना होता है, बस लाख बात की बात यही है, मतलब एक पंक्ति में उत्तर दे दिया पंडित जी ने, क्या कि पूज्यपना कैसे होता है जिन मत में संयम धारण करने से। जिन मत में और कोई चीज से पूज्यपना नहीं होता, चमत्कार से पूज्यपना नहीं होता, सम्यक दर्शन से पूज्यपना नहीं होता, कैसे होता है संयम धारण करने से, समझ में आया ना। क्योंकि सम्यक दर्शन से पूज्यपना माने तो कोई भी कहते मैं भी सम्यक दृष्टि हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, उसका निर्णय कैसे करेंगे। द्रव्य संयम से तो बाहर में स्पष्ट दिखाई देगा ना कि संयम पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सम्यक का तो अंतरंग, सम्यक का तो निर्णय केवल ज्ञान गम्य ही है वास्तव, लेकिन संयम का निर्णय हम आप सब कर सकते हैं। संयम का पालन भी बाहर होता है और पूजा भी भाई में होती है, व्यवहार है, संयम व्यवहार है तो पूजा ही व्यवहार है। संयम तो देख सकते ना अपन, किसने इसका त्याग किया कि नहीं किया, छह काय के जीवों की हिंसा का त्याग हुआ कि नहीं हुआ, पांच इंद्रियों मन के विषयों का त्याग हुआ कि नहीं हुआ, बारह प्रकार के संयम का पालन, तो पूज्यपना उससे होता है। मैंने जो बहिरंग में बाहर में जो पूज्यता आती है या जो पूज्य के लाएगा, पूजा के योग्य होगा वो जिसके संयम होगा वही होगा। असंयम ही तीन काल में कभी पूज्य नहीं हो सकता, और देवों के संयम होते ही नहीं, ये फैक्ट है क्या। कोई भी देव हो, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी हो, देवों में संयम नहीं होता, ये बात जगत प्रसिद्ध है क्या। देवों के और नारकियों के कभी भी संयम नहीं होता, किसी चीज का त्याग नहीं कर सकते। देव उपवास कर सकता है क्या, क्या आज मेरा उपवास है, देव के तो अपने आप भूख लगेगी तो कंठ से अमृत अपने आप झर जाएगा,
उपवास नहीं कर सकता, सो स्त्री का त्याग नहीं कर सकता, जिंदगी पर्यंत उसकी स्त्री रहेगी क्या? और वो जो 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 वस्तु में जो इस वस्तु की इच्छा होती है वो वस्तु तत्काल उपलब्ध है, और तत्काल उपलब्ध है और वो उसके त्यागने में समर्थ रूप परिणाम नहीं है, वो उसके भोगने का भाव उसको होता ही है। तो त्याग त्याग मतलब त्याग रूप परिणाम नहीं है, संयम रूप परिणाम नहीं है, उसमें विरक्तता नहीं है, इसे देवगति में संयम नहीं है, और संयम से पुंजपना होता है। तो चाहे कोई भी देव हो, चाहे वो क्षेत्रपाल हो कि चाहे वो लोग कोई सा भी पाल हो क्या, चाहे वो धर्मेंद्र हो कि पद्मावती हो कि चाहे कोई सी भी देवी हो, कोई भी देव हो, सीधी सी बात ये है कि देवगति में संयम नहीं होता और पूज्यपना संयम से आता है। तथा इनको सम्यक्ति मानकर पूछते हैं, यदि कोई कहे कि ये सम्यक दृष्टि तो है सब, हम इनको सम्यक दृष्टि मान के पूछते हैं, तो कहते हैं भवनत्रिक में तो सम्यक्त भी सम्यक्त की भी मुख्यता नहीं है। सो भवनत्रिक में सम्यक की भी मुख्यता नहीं है, क्यों? क्योंकि एक नियम है कि ये जिनको पूज रहे ना लोग, ये सब भवनत्रिक है, भवनवासी देव है, व्यंतर है, तो इनमें सम्यक दृष्टि मर के भी पैदा नहीं होता। माने जहां सम्यक दृष्टि मर के भी नहीं जाता, वहां भला कोई सम्यक दृष्टि उसकी पूजा क्यों करेगा? जिसमें हम मर के भी जाना पसंद नहीं करें, उसकी भला पूजा किसी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि के द्वारा कैसे होगी? भवनत्रिक में सम्यक दृष्टियों की मुख्यता नहीं, भवनत्रिक में तो मिथ्या दृष्टियों की मुख्यता है। भवनत्रिक में जो पैदा होते हैं वो नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, भवनत्रिक में कोई भी सम्यक सहित पैदा होता ही नहीं। तो जिनको तुम पूज रहे हो उनके सम्यक का भी कोई ठिकाना नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं, क्योंकि वहाँ जब वो पैदा हुए तब तो मिथ्या दृष्टि मिथ्या तो सहित ही पैदा हुए, बाद में हुआ कि नहीं हुआ क्या पता, कब होगा कब नहीं हुआ क्या? धर्मेंद्र सम्यक दृष्टि हुआ कब हुआ, हुआ भी कि नहीं हुआ, कब होते हैं, कितने काल बाद होते हैं, इसका कुछ पता नहीं अपने। हाँ तुम लोकांतिक देवों का पूजो तो समझ में आए, क्योंकि वो सब जन्म से सम्यक दृष्टि होती है। तुम सर्वार्थ सिद्धि के देवों को पूजो तो वो सब नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन ये जो भवनत्रिक वाले देव हैं ये तो सब नियम से जन्म से मिथ्या दृष्टि, सम्यक में इनका अधिकार ही नहीं है क्या? ये तो मिथ्या दृष्टि के अंदर इनका नाम गिना जाता है, क्योंकि यहाँ मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, सम्यक दृष्टि यहाँ पैदा ही नहीं होती। पहले तो संयम नकार दिया कि संयम तो पूरे देवगति में ही नहीं है, अब कोई कहे कि नहीं संयम नहीं है लेकिन सम्यक तो है, तो कह रहे हैं सम्यक का भी भवनत्रिक में अधिकार नहीं है, सम्यक दृष्टि भी भवनवासी अंतर ज्योतिषियों में नहीं होते। अब आगे देखो, कहाँ लिखा है ये? नहीं बोलने से कुछ तो ही नहीं होता है, कहीं लिखा हुआ होना चाहिए ना कि ये अंतर मुहूर्त में सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। हाँ उसमें हो जाते सम्यक दृष्टि, ऐसा कहीं आगम में पढ़ने में नहीं आया, यदि ऐसा कोई आगम का वचन हो तो बता देना, और यदि ऐसा वचन मिले भी तो भी वो पूज्य नहीं होते, क्योंकि पहला शब्द है क्या? पहला शब्द है जिन मत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है, सो देवों में संयम होता ही नहीं, सम्यक तो से कोई पूजा नहीं हो जाती है। और पता भी नहीं चढ़ सकता, और दूसरी बात की सम्यक दृष्टि की पूजा करेंगे तो बहुत विपरीतता होगी, 96,000 जिसकी रानी उसकी पूजा चालू हो जाएगी, तो कोई कहेगा 96,000 की हो रही तो अपने तो एक दो ये क्या थी ये जो भी है, अपन भी सम्यक दृष्टि है, घर घर में सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, फिर घर घर में पूजा चालू हो जाएगी, अर्घ चढ़ना चालू हो जाएंगे, सब विपरीतता चालू हो जाएगी। पूजा का आधार तो संयम ही है, संयम बिना पूजा हो ही नहीं सकती, समझ में है ना? इसलिए पहली बात कह दी उन्होंने, फिर दूसरा उन्होंने किसी ने तर्क उठाया कि नहीं सम्यक भी मान के पूछते हो तो कह रहे भवनत्रिक में इनका अधिकार ही नहीं, पैदा हुए हैं मिथ्या तो सही पैदा हुए, यदि हमको पूजा नहीं होगा तो जिनकी गारंटी है कि जो सम्यक सही थी पैदा होते हैं हम उनको ही पूजेंगे ना, इनको क्यों पूजेंगे?
हैं, जो मुनि अवस्था से वहां गए, सम्यक तो सही थे, संयमी थे, पहले भी संयमी थे, जो हमको पूजना होगा यदि तो उनको मानेंगे, पूजेंगे ना, ये जो मिथ्या तो सही पैदा होंगे उनको क्यों मानेंगे है? कोई धर्मात्मा मरा होगा, यदि हमको बहुत देवों को मानने होगा तो हम किसी जो पहले धर्मात्मा हो, अच्छा है, सम्यक सहित मरा हो, संयम सहित मरा हो, हम तो उसकी पूजा अर्चना करेंगे, तो वो तो वैमानिक में जाएगा, वो भवनोत्रिक में क्यों जाएगा? भवनोत्रिक में तो सब मिथ्या दृष्टि जाते हैं, तो उसकी पहली स्थिति तो बेकार थी, और यहाँ क्या कर रहा है उससे, और ये वो यहाँ सम्यक कब करेगा, कब नहीं करेगा, इसका क्या ठिकाना है? ये तो उनको पूजवाने के लिए तर्क है कि वो सब अंतर्मुहूर्त में सम्यक कर लेते हैं, तो जो अंतर्मुहूर्त में कर लेते हैं उसकी अपेक्षा तो वो फिर भी श्रेष्ठ है ना, जो जन्म से ही सम्यक लेके आया है, फिर उसकी करो ना पूजा करना है तो, फिर लोकांतिक ने क्या बिगाड़ा है, सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने क्या बिगाड़ा है, सोदन विंद्र ने क्या बिगाड़ा है, दक्षिण दिशा के सब इंद्र और सारे लोकांतिक देव जो एक भाव उतारी और तो, और सारे अनुदेश के ऊपर जितने नौ ग्रहवेग के ऊपर नौ अनुदेश और पांच अनुत्तर सब नियम से सम्यक सहित उत्पन्न होते हैं, असंख्यात है ये अमिंद्र, इनकी लेशिया परम शुक्ल लेशिया है, इनमें से दो बहु मनुष्य लेके मोक्ष चले जाते हैं, तो ये तो बहुत उत्कृष्ट है, फिर इनकी इनके सामने क्या गिनती है, कहाँ अनुत्तरवासी सर्वार सिद्धि के देव और कहाँ ये क्षेत्रपाल पद्मावती और धर्मेंद्र, इनकी किसी अपेक्षा से उनके सामने कोई गणना ही नहीं है, ये एक बहुत आ रही है नियम से, कौन सर्वार सिद्धि के देव लोकांतिक देव अगले भाव से मोक्ष चले जाएंगे, तो इनका कोई पता तो ही नहीं है, इनका कहीं वचन तो ही नहीं कि ये कब तक मोक्ष जाएंगे, तो जिनके मोक्ष जाने का कोई ठिकाना ही नहीं है, जिनके सम्यक का ठिकाना नहीं है, जी उनको पूछ रहा है, और जो सम्यक भी है नियम से जन्म से, उनका तो इसको पता ही नहीं कि ऐसे भी कोई देव होते हैं, क्या नहीं जो चल जाए, क्या जो मंदिर में जो देव मिल जाए अपन तो उसको पूछते हैं, देखो यदि मंदिर में यहाँ ये मिल गए तो हमने यहाँ ये पूछ लिया, जहाँ जो मिल जाए हम तो पूछने चालू हो गए, हमको क्या बोलो किसको पूछना चाहिए किसको नहीं पूछना चाहिए, तुम सर्वार सिद्धि के देव बिठाए थे तो हम उसको पूछ लेते, क्या मतलब हमने अपनी बुद्धि से निर्णय तो ही नहीं किया कि हम क्यों पूछ रहे हैं इनको, इनमें क्या है, देखो कोई आदमी बहुत अच्छी दुकान पे किस्मत से आ गया ये उसका भाग्य, लेकिन भाग्य होने पर भी उसके निर्णय नहीं है कि ये बराबर सही दुकान है तो वो उसके काम की नहीं हो सकती, और जो निर्णय करके आया है कि यही दुकान सच्ची है बराबर है, उसके दुनिया भर में कुछ भी हो जाए उसे मालूम है कि ये बराबर यथार्थ है, माल की पहचान ये है और ये माल जो है वो बिल्कुल सच्चा है, कहीं नहीं। तो ऐसे ही हम भले ही जैन कुल में उत्पन्न हो गए हैं लेकिन हमने अपनी बुद्धि से विवेक से निर्णय नहीं किया, उनको तो जो देव मिल गए ये मिल रहे थे, हमारे मंदिर में दूसरे देव बैठा होते पीछे आगे तो उसको ही मानने लग जाते, वो तो कुछ भी नहीं है, खैर वीतरागता ही नहीं, संयम ही नहीं है ना, तो वीतरागता का तो प्रश्न नहीं उठता, रत्नत्रय की तरफ से भी देखो तो सम्यक दर्शन की कोई मुख्यता नहीं है भवनत्रिक में, कि भवनत्रिक में नियम से मिथ्यात्व सहित उत्पन्न होते हैं, ये नियम है, भवनवासी अंतर ज्योतिषियों में जो उत्पन्न होते हैं वो मिथ्यात्व सहित होते हैं, एक तो ये नियम है, दूसरा एक और नियम है कि इनके उत्पन्न होते समय अशुभ लेश्या ही होती है, शुभ लेश्या भी नहीं होती, भवनवासी जीवों के भवनत्रिक के अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण नील कापूर लेश्या ही होती है, पीत लेश्या नहीं होती, ये सिद्धांत है, आदि तस्त्रिसु पीतांत लेश्या, आदि के तीन निकायों में पीत के अंत तक लेश्या है, माने जब उत्पन्न होता है ना तो अपर्याप्त अवस्था में इनकी तीन अशुभ लेश्या होती है और फिर पर्याप्ति पूरी होने के बाद इनकी लेश्या शुभ होती है, तब तक अशुभ रहती है, लेश्या जरूर पर्याप्त होने के बाद शुभ हो जाती है, सम्यक का नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है ना, कोई त्रिलोक सार में त्रिलोक पढ़ने तीन षटखंडा में धवल में जय धवल कहीं मिल जाए तो बता देना, कभी कोई ऐसे भी ग्रंथ हो जो कहीं छिपे हुए हो अपन ने भी नहीं देखे, कोई ऐसा हो सकता है, कभी उसमें कोई आश्चर्य नहीं,
अथवा कोई गाथा ऐसी हो जो अपने देखने में अपने ध्यान नहीं दिया तो बता देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो अच्छा है, एक चीज और मेरे ज्ञान में बढ़ जाएगी कि अंतर्मुहूर्त में सम्यक कर लेते हैं, मैं लोगों को बता दूंगा। फिर भी पूजा के योग्य तो फिर भी नहीं होंगे। और यहाँ प्रयोजन तो हमेशा लौकिक ही रहेगा ना सर, यहाँ पर वो तो आगे कहेंगे इसी। लेकिन ये तो क्या है, इसने प्रश्न वहां से उठाया ना कि ये जिनमत के अनुचरण है, ये जिनमत का अनुचरण करते हैं तो फिर इनके पूजने इनके मानने पूजने में क्या दोष है। वो जो है उसने बाकी के बाहर के तो उठा हटा दिए, नहीं तो जिनमत के अनुचरण है ना, अनुचर है देवे, तो इनके मानने पूजने में क्या है। देखो यदि सम्यक तो सही पूछते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि के देव लोकांतिक देव इन्हें क्यों ना पूजे, इनने बिचारा ने क्या बिगाड़ा है। और सर्वार्थ सिद्धि लोकांतिक देव बिचारे सब बाल ब्रह्मचारी लोग एकदम है, लोगों को मतलब भगवान भी चाहिए तो देवी सही चाहिए, धरने चाहिए तो उनको पद्मावती चाहिए, कपल सब जगह चाहिए, क्या कर बिना कपल वाले भगवान ही अच्छे नहीं लग रहे। भवनात्रिक में कोई भी ब्रह्मचारी नहीं है और सर्वार्थ सिद्धि और 16 स्वर्ग के ऊपर सब ब्रह्मचारी है, कम से कम द्रव्य से तो ब्रह्मचारी है, भाव से भले पंचम स्थान उनके ना हो, उनकी स्त्रियां नहीं होती तो स्त्री वाले भगवान अच्छे कि बिना स्त्री वाले भगवान। दूसरी क्या है देखो कि कोई स्त्री कोई ऐसी हो, कोई स्त्री जिसके पति के चार पांच स्त्रियां हो, मतलब उसके चार पांच हो, तो वो पति वो पत्नी अपने को सौभाग्यशाली मानती है कि दुर्भाग्यशाली मानती है। किसी को कहे क्या अरे साहब मेरे पति पति के तो इस तरह की बात बोलने में भी उसको अंदर में दुख उत्पन्न हो जाता है, एक क्या एक की दो हो तो दुख उत्पन्न होता है कि मेरा पति 50% ही रह गया और तीन हो तो 33%। अब जिनके कम से कम 32 देवांगना होती है, कम से कम 32 देवांगना हो गई तो पति उनके बदले में आया कितना 3%, तो जिनके 2000 है उनके तो 0.05%। तो इससे तो मनुष्य गति अच्छी, माने ये स्त्रियों को इतनी पता नहीं है कि हम जिनको पूज रहे हैं वो देवी बिचारी एक ही है 2000 में और मैं तो अपनी पति की पूरी हूं, मैंने कौन सौभाग्यशाली हुआ इसमें है। ये नियम है शास्त्रों के सब लिखे, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। यदि या तो इस नियम को मानना बंद करो, कौन सा एक की दो हो तीन हो चार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पुण्यशाली है। और यदि ये मानते हैं कि नहीं एक की एक स्त्री है तो वो स्त्री अपने को सौभाग्यशाली मानती है, यदि वो मानती है तो फिर ये सब सौभाग्यशाली नहीं हुई दुर्भाग्यशाली हुई बेचारी, यहां से ऊपर जाने में कोई प्रमोशन नहीं होना है क्या, ऊपर जाने में देवी बन के यदि उत्पन्न होगा कोई तो उसका डिमोशन ही होना है। यहाँ तो एक है वो भी उसके अंदर में बेचारा पानी लेके आओ तो ले आता है ऊपर से क्या, और वहां तो वो देवियों की आज्ञा माननी है क्या, मतलब ये कोई बिल्कुल भी मैं व्यंग नहीं कर रहा है, यहाँ तो क्या है यहाँ तो बहुत स्वतंत्रता है हिंदुस्तान में भी अभी आवाज। तो इसलिए उस अपेक्षा से विचार करो तो ऐसी कोई विशेष खासकर देवियां जो है उनके कोई ऐसा विशेष पुण्य का उदय भी हो तो ऐसी बात भी नहीं, बल्कि ये तो और हीन मानी जाती है बात लोग, फिर भी लोग पूछते क्या। अब लोग तो क्या करे, जो कोई कुछ जिसको मान ले कि ये कुछ देने वाली है तो उसको कुछ ना चालू हो जाता है, लोग जो है किसी राजनीतिक देवी कोई उसको ही देवी मान के पूजने लग जाते हैं, उसके लिए अपने आप को कर लेते हैं मंदिर मंदिर। तो क्या कर सकते हैं, संसार में लोग इतने भूखे हैं बेचारे, कोई उनको वस्त्र दे दे कपड़ा खाने को दे दे तो वो उसके लिए देव हो गया, भूखे को कोई भोजन दे दे निर्वस्त्र को वस्त्र दे दे मकान नहीं हो मकान दे दे कोई काम अपना अड़ रहा हो काम करा दे तो वो अपने लिए भगवान है।
उसकी सोच ही थी कि इतना ही काम हो जाए मेरा, इसलिए ये सारे देह ही देवता चलते रहते हैं। अब और वैसे ही करते रहते कुछ नहीं कोई, लेकिन ये सब मानते हैं। भूखा ऐसा मानता है कि मेरे को इसके, ये मेरे को अन्न दे रही है। क्या? क्योंकि वो उसको माना उसने और किसी दिन उसको अन्न मिल गया, तो उसकी मान्यता बैठ गई कि देखो मैं इतने दिन से भूखा था, आज मैं यहाँ आया और मेरे को अन्न मिल गया। रोज इतने दिनों से यहाँ यहाँ मंदिर जा रहा था, माँ के देवियों ने कुछ नहीं किया। ये वाले देवी बहुत बढ़िया है, करती है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई, वो तो रोज ही जाता है कहीं ना कहीं, तो एक ना एक दिन जिस दिन उसका पुण्य का उदय आ जाएगा, उस दिन जिस देवी का गया होगा वो उसकी मान्यता उसमें बैठ जाती है। ये मेरे करने वाले हैं, यही मेरा इष्ट है, मेरा ध्यान रखने वाली यही देवी है। मैंने इस जीव को इतना परतंत्रता की आदत पड़ गई है कि कभी भी अपने अवलंबित नहीं रहना चाहता कि मैं मेरे पुण्य के भरोसे हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरा पुण्य होगा तो मैं कहीं चले जाऊँ वो मेरी सहायता करेगा, मेरे कोई देवी देवता की सहायता नहीं चाहिए, किसी आदमी की सहायता नहीं चाहिए। मेरी सहायता करने वाला कौन है? पुण्य। ऐसा इसको इस अपने किए गए कार्यों पे भरोसा नहीं, अपने सुकृत पे भरोसा नहीं, अपने पुण्य पाप पे भरोसा नहीं, अपने परिणाम अच्छे किए उससे भी कुछ अच्छा हो सकता है ये भरोसा नहीं, इसलिए ढूंढता फिरता है कहीं ना कहीं किसी को। जितनी इधर उधर ढूंढा भाड़ी करता रहता है उतनी मेहनत अपने परिणामों को विशुद्ध करने में कर ले तो वो यूं ही कार्य हो जाए, लेकिन वो तो उसको खबर ही नहीं है। उसको तो ये लगता है परिणाम विशुद्ध से कुछ नहीं होता है, जो होता है कोई दूसरा दूसरे का कुछ करता। और इसलिए वो भले ही नाम से जैन रहता है लेकिन वो रहता हिंदू है, क्योंकि अन्य अन्य का करता है ऐसी मान्यता हिंदूवाद की मान्यता है। जैनी मान्यता तो ये है कि सब अपने अपने कर्मों से सबका होता है, कोई यहाँ भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई देवी देवता नहीं, जो कुछ होता है अपने पुण्य पाप के उदय से होता है, और अपना पुण्य का उदय होता है तो कोई भी निमित्त बन जाता है, अपना पाप का उदय होता है तो कोई निमित्त हो जाता है, उसके लिए किसी देवी देवता को नहीं बुलाया अपने। समझ में आया ना? क्योंकि ये तो अन्यमत में माना जाता है कि वो एक ईश्वर है और वो सबकी व्यवस्था करता रहता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो किसी का भी भला कर सकता है, किसी का जब चाहे बुरा कर सकता है। ऐसा कोई सर्वशक्तिमान देव यहाँ नहीं है कि जो चाहे जो हमारा पुण्य का उदय वो बुरा कर दे, हमारा पाप का उदय और भला कर दे, ऐसा कुछ नहीं। जो हो रहा है वो अपने बांधे हुए कर्म के उदय से हो रहा है, हमने पूर्व में जैसे भाव किए उनसे जो कर्म उपार्जित किया उसके अनुसार हमारा भला बुरा हो रहा है। इसमें कोई अन्य कोई सर्वशक्तिमान देव कारण नहीं है, कोई अन्य कोई देव कारण नहीं, ये बेचारे अपना अपना करेंगे, तुम्हारा करेंगे। एक स्त्री होती है आदमी उसी के अंदर उलझा रहता है, ये 32 बेचारी क्या करते होंगे ये लोग, तो तुम्हारे यहाँ आके करेंगे कुछ 32 और किसी की 2000 तो वहीं भोगो भोग करेंगे कि यहाँ लोगों की व्यवस्था करेंगे कि फलाना जन ने वहाँ मंदिर बनाया है तो उसका उसके जितने भक्त है उनको ठीक करने आ जाओ, फिर उनको ठीक करने आ जाओ, फिर उनको ठीक करने आ जाओ, फिर इसका वो हो रहा है, फिर इसका वो हो रहा है। यदि अपने को पंचेंद्री के विषय भोग मिले हो तो आदमी क्या करता है, उसको भोगने में लगा रहता है, उसको परोपकार की भावना उत्पन्न होती है। भले शक्ति हो अपने पास में, ऐसी सामर्थ्य हो कहे कि अपन किसी को भोजन करा सकते हो, वस्त्र दे सकते हो, लेकिन वो भाव यही किसी के नहीं आते, सब अपने अपने भोग में मगन रहते हैं। जो मिला होता है उसको और आदर ज्यादा कैसे भोगू, वस्त्र मिल गया तो वो सोचता है सबसे बढ़िया कौन से ब्रांड का वस्त्र कैसे लेके आऊं, भोजन मिला है तो भोजन के अंदर वैरायटी सोचता है कि 10-20 वैरायटी और कैसे करूं। मैंने यही व्यक्ति परोपकार में नहीं लग रहा है तो वहां जब इतनी भोगोपभोग की सामग्री होने पर वो परोपकार में क्यों लगेगा, वो अपने भोगोपभोग में ही रमे रहेगा, वो क्यों ही इन सब चीजों के अंदर वो किसी का इसका करना उसका करना। पूजो तो उससे हमको क्या है क्या? तो तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो स्वयं में हो जाएगा, पाप का उदय होगा तो नहीं होएगा, हो जाएगा लोगों की उसकी मान्यता बैठ जाएगी। ये हाँ, अरे माँ इसके आगे पंडित जी लिखेंगे कि सप्त व्यसन से भी ये बड़ा पाप है, ये जो बीमारी है ये बीमारी 7 व्यसन से भी बड़ी बीमारी है, क्योंकि
क्योंकि इससे जो अपना खोटा श्रद्धा है वो दृढ़ होता है, पुष्ट होता है, मोह पुष्ट होता है। हर वस्तुओं की अभिलाषा और ये मान्यता कि कोई हमारा करता है, कोई मेरा भला करता है, ये मिथ्या मान्यता है, पुष्ट होती है। रागाधिक बढ़ते हैं, विषयों में आसक्ति और बढ़ती है, लौकिक कामनाएं बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती है, इसलिए इससे कुछ भी भला तो होता नहीं और बिगाड़ ही होता है। यदि बिगाड़ नहीं होता तो इतना निषेध क्यों करते हैं? और जो इतना भक्तावर जी में लिखा है कि जो रत्न को छोड़कर, चिंतामणि रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़े को पसंद करे उससे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है। जो छवि घोर तिमिर के नाशक रवि में है देखी जाती, क्या वह किरणा कुलित कांच में अरे कभी देखी जाती। तो और भी बहुत है उसके अंदर ऐसे पूरे बात कि कहां हो और कहां हो, कहां चिंतामणि रत्न और कहां कांच। चमक दिखती है कांच में लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होता। ऐसे ये सारी चमक दमक दिखे लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य जो है वो वीतरागता का है, पंच परमेष्टि की वीतरागता का वो मूल्यवान है। तो इसलिए यदि सम्यक से ही पूछते हो तो सर्वार्थ सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, इन्हें क्यों ना पूछ लें। फिर कहोगे इनके जिन भक्ति विशेष है, सो भक्ति की विशेषता सोधर्मेंद्र के भी है, वो सम्यक दृष्टि भी है, उसे छोड़कर इन्हें किस लिए पूछे। क्या भक्ति से यदि पूछते हो तो सोधर्मेंद्र की जितनी भक्ति होती तो किसी की नहीं है। सोधर्मेंद्र ऐसा नृत्य करता है कि अंतर मुहूर्त के अंदर प्रतिष्ठा लगाया था, बताओ पल पल भर में इतनी तेजी से नृत्य करता हो, भगवान को पीठ नहीं लगती। एक क्षण में यहाँ, एक क्षण में वहां, एक क्षण में वहां, एक क्षण में अनेक रूप बना लेता है, 1008 रूप बना ले, बड़ा 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 बड़ा। और भगवान के जो पिछले जो 10 भाव है उनको दिखाता है वो आनंद नाटक के द्वारा। वो जो माता पिता के वहां आकर मतलब जन्म का अभिषेक, जन्माभिषेक करने के बाद वो बालक को वापिस लौटाने के लिए वहां आते हैं, माता पिता को देते हैं और फिर वहां आनंद नाम का नाटक करता है। उस आनंद नाटक में और कुछ नहीं होता, उसमें भगवान के जो पूर्व के जो 10 भाव है उसको नृत्य आदि के द्वारा दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इनकी मोक्ष मार्ग की साधना कैसे पल्लवित हुई। और उसको देखकर अनेक जीवों को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो इतनी विनम्रता से और इतनी श्रद्धा भक्ति से वो भगवान के आगे नृत्य करता है, पीठ पीठ नहीं लगती। और जैसी भक्ति सोधर्मेंद्र की होती वैसी किसी की नहीं होती। देख लो आप पंच कल्याण में सबसे ज्यादा काम किसका होता है, सोधर्मेंद्र का होता है कि नहीं होता है? भवनवासी किसी क्षेत्रपाल की बोली लगते हुए देखी है, धर्मेंद्र की, पद्मावती की, किसकी लगती बोली? सोधर्मेंद्र की। हाँ, तो वो इसका कारण ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा भक्ति उसी की होगी, सबसे ज्यादा काम उसका ही है, हर जगह वो आगे रहे, उसको आगे रहना है, इसीलिए उसके पैसे ज्यादा लगते हैं जो भी। तो इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति की बात करो तो भक्ति तो सोधर्मेंद्र में ज्यादा है, इनमें भक्ति भी नहीं है। फिर उनको और फिर ये तो सोधर्मेंद्र तो गारंटेड सम्यक दृष्टि है, ये तो गारंटेड जन्म से सम्यक दृष्टि भी नहीं है। तो फिर हम भक्ति की विशेषता से पूछना होगा तो हम सोधर्मेंद्र को क्यों ना पूछ लें, इनको क्यों पूछे। ये क्या है, ये तो जो हीन देव है ना, ये सब ये काल की ये जो है अपने मतलब अपने ऊपर जब आक्रमण होने चालू हुए हिंदुओं के, उन्होंने जो है मंदिरों को विध्वंस करना चालू किया, हिंदुओं जैन मंदिरों को हिंदू मंदिर बनाना चालू किया, तो उन्होंने युक्ति निकाली कि कम से कम मंदिर के बाहर कोई देवी देवता बिठा दो तो लोग ये समझेंगे कि ये हिंदू मंदिर है और अंदर आएंगे ही, और आएंगे नहीं तो अपन कम से कम सुरक्षित बचे रहेंगे। और इस विचार से उन्होंने तात्कालिक परिस्थिति के अंतर्गत मंदिर के बाहर देवी देवता बिठा दिए। अब वो तो चले गए और लोग समझे नहीं कि क्यों देवी देवता बिठाए, और वो देवी देवता बाहर से धीरे धीरे अंदर घुस गए। वो अंदर घुस के इतने अंदर घुस गए वो कि उन्होंने अंदर के बाहर भगवान को ही बाहर कर दिया, मैंने बाहर कर दिया मैंने गौण कर दिया, वो देवी देवता मुख्य हो गए तो भगवान गौण हो गए। बोले धरने पद्मावती ने भगवान की रक्षा करी, भगवान की रक्षा करी, पर जिसकी रक्षा करी
मुख्य तो वो हुआ ना, मैंने एक हो गया विलन, एक हो गया हीरो, और भगवान तो एक कोने में हो गया, बेचारे को कहीं कहीं नहीं रहे, कहीं कहीं रहे, मुख्य कौन है बताओ उसमें? पूरे जिनेंद्र भगवान है ना, वो तो वो एक को बचाने का भाव आया, एक को उपसर्ग करने का भाव आया, तो उपसर्ग करने का भाव आया उनके ऊपर द्वेष नहीं हुआ, बचाने का भाव जिसका है उसके ऊपर राग नहीं हुआ, वो अपनी वितरागता में रहे, उससे वो महान रहे, तो वो तो एक तरफ हो गए, और ये पता नहीं कौन कौन मुख्य हो गए, क्योंकि लोगों को पिक्चर जैसी चीज चाहिए कुछ, एक विलन इधर एक हीरो, तो हीरो भगवान तो कहलाए नहीं उनकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में तो हीरो वही हो गए जो बचाए किसी, तो बचाने का काम किसने किया? धर्मेंद्र ने, धर्मेंद्र हो गया हीरो। अरे जिनको बचाया मुख्य तो वे हैं, और वे अपनी वितरागता से परम पूज्य है, क्या करो, जो जिसकी बुद्धि में आता है वो काम करता है। ये सब हीन देव की जो स्थापना है ये सब हिंदू के हिसाब से हुई है, यदि ये जैन के हिसाब से होती ना तो बहुत सारी चीजें आ जाती ढंग ढंग की, ये चलो सलवार सिद्धि के देव बिठाते या लोकांतिक बिठाते सोदरजन बिठाते, लेकिन ये तो हमने की इसलिए इस तरह से की है कि जो उनके हीन देवी देवताओं की पूजा आदि होती है उसी के अनुसार अपन ने करी इनकी यहाँ पे, क्योंकि जैसे वे हीन पूछते किसी भी किसी को भी कहीं भी कुछ करके सिंदूर लगाया और भगवान बन गए, तो ऐसे ही अपन ने चालू कर दिया, क्योंकि अपन को तो उनको बताना था ना कि हमारे यहाँ भी देवी देवता है, तो इसलिए हमने कोई अलग से अपने शास्त्रोक्त तो व्यवस्था निकाली नहीं, हमने तो जो उनके पूछते थे उसको देखा देखी अपनी व्यवस्था बनाई, और इसलिए अपने अभी जरा सा कोई पत्थर लिया और सिंदूर पोता हो चालू हो जाता, उसमें कोई आकार भी नहीं देव का, भाई देव तो सर्वांग सुंदर है, यदि स्थापना भी हो तो कम से कम उसमें देव का आकार तो होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो देव का आकार भी नहीं, एक बस पत्थर है गोल गोल बोल दिया, कोई कुछ कैसा आकार का है वो कर दिया, लेकिन चल रहा है ऐसा क्या। और देखो आगे क्या कहते हैं, और फिर यदि कहोगे जिस प्रकार राजा के प्रतिहार आदि है उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपाल आदि, प्रतिहार माने महारक्षक वो होते ना, प्रतिहार मतलब जिसको कहते सेवक, सेवक द्वारपाल, द्वारपाल द्वारपाल सही है उसका, जो द्वार पे घुसने जाना नहीं जाना देना, आजकल होता है ना वॉचमैन, अरे अपने घरों के वहां वॉचमैन भाग उठाता ही नहीं, तो ऐसे ये वो निर्णय करेगा कि अंदर मिलने जाना देना कि नहीं देना, कोई भी आदमी आया तो ऐसे अंदर नहीं घुसने देता, वॉचमैन का काम ही क्या रोके पूछे, और वो फिर वो निर्णय करे कि मिलाना नहीं कि मिलाना अंदर वाले आदमी से, तो उसी प्रकार ये कौन है जैसे राजा के प्रत्यार आदि के उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपाल आदि के, परंतु समोषण आदि में इनका अधिकार नहीं है, ये तो झूठी मान्यता है, ये कोई समोषण आदि में चारों दिशाओं में खड़े नहीं हो जाते, जो कि राजाओं से जैसे राजा से मिलाने में प्रत्यार काम करता है ऐसे काम करते हो, माने इनका समोषण में कुछ भी नहीं मान्यता है, इनका अधिकार ही नहीं, समोषण में सारा अधिकार चलता है सोधर विद्र का, सारी व्यवस्था उसके अनुसार चलती है, उसकी आज्ञा के अनुसार कुबेर समोषण की रचना करता है, और वो जो है वो पूरी सोधर मित्र के अनुसार सारी व्यवस्थित व्यवस्था होती है, उसमें ये हीन देवों का तो कोई अधिकार ही नहीं, ये तो झूठी लोगों ने मान्यता कर ली है कि ये राजा से जैसे ये भगवान से मिलाते हैं, ये कोई भगवान भगवान से मिलाते नहीं है, जिसको भगवान से मिलने जाना चले जाए, क्या वहां भी कोई रिश्वत जैसी व्यवस्था रही है कि इसको पहले ढोक दो फिर ये अपने को ऊपर पहुंचने देगा, तो इसको नहीं पूजा तो ये ऊपर ही जान देगा, क्या ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जाना हो जाए, और वो तो वहां वैसे ही अटकने के बहुत सारे साधन है, बावड़ियां है तालाब है, है? तो ये सब चीजें हैं, यदि ऐसा है जिसमें योग्यता नहीं होगी वो अपने आप उनमें उलझ के जाएगा, तो उसके अलावा और कुछ व्यवस्था करने की वहां जरूरत ही नहीं है, ये कोई यहाँ लौकिक जैसी व्यवस्था तो ही नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर की साहब चपरासी के बिना अंदर बाबू सेठ कुछ से नहीं मिल सकते, किससे ऑफिसर से, बाबू को बिना कुछ दिए वो ऑफिसर से मिलने नहीं देता, ऐसे ये प्रत्यार को प्रसन्न किए बिना ये भगवान के समोषण में नहीं घुसने देते, तो ये कहते हैं झूठी मान्यता है। तथा जिस प्रकार प्रत्यार आदि के मिलाने पर राजा से मिलते हैं उसी प्रकार ये तीर्थंकर से नहीं मिलाते, वहां तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर के दर्शन आदि करता है, जिसकी भक्ति कुछ किसी के अधीन नहीं,
और सोधा मित्र भी कोई ऐसा उसने भी वो नहीं लगा रखा कोई वहाँ पे कि आओ तो चलो या टैक्स लगा दिया हो कोई टोल टैक्स कि जितने अंदर आएंगे सबसे टैक्स लो या सबको पहले मेरी भक्ति करनी पड़ेगी मेरी कुछ नहीं है जिसकी भक्ति है वो चले जाए। अरे भगवान के समोसे में कौन किसको मना करेगा। इसलिए सब झूठी मान्यता है लोगों ने अपने हिसाब से गढ़ रखी है उनको पुजवाने के लिए क्या। तथा देखो अज्ञानता आयुध आदि सहित रोध स्वरूप है जिनका आयुध आदि सहित है ना ये तो हथियार है हाथ में हथियार है त्रिशूल भाला क्या और क्या क्या नहीं है इनके एक त्रिशूल भी रहता क्षेत्रपाल का त्रिशूल रहता है वैसे तिरछी भोय रहती है आंखें रहती है ऐसी। अब यदि एक त्रिशूल लेके कोई पंडित प्रवचन करने आ जाए या त्रिशूल रखो और प्रवचन चालू कर दो कितने लोग सुनेंगे उस प्रवचन को और हाथ में दे क्यों क्या कह रहे हैं क्या प्रश्न है सब कुछ जो भी हुआ क्या वो कौन उसको पसंद करेगा। सरकार अंदर कर देगी आप लेके चलो कभी सड़क पे खुली सड़क पे त्रिशूल बंदूक भाला जिससे आदमी मर जाए सड़क पे लेके चलो पटकाल कंप्लेन हो जाएगी अंदर हो जाओ क्यों क्योंकि वो कोई अच्छा नहीं माना जाता। रुद्र रूप जो है हथियार सहित है तो ये तो बहुत खतरनाक अपराधी माना जाता है तो जिस जगह दुनिया में अपराध जिस जो अपराधी माना जाता है तो उसकी पूजा कर रहे हैं। देखो अज्ञानता आयुध आदि सहित रोद्र स्वरूप है जिनका उनकी गा गा कर भक्ति करते हैं क्या गा गा कर भक्ति करते हैं। सो जिनमत में भी यदि रोद्र रूप पूज्य हुआ तो यह भी अन्य मत के ही समान हुआ इसमें और अन्य मत में कोई अंतर नहीं रहा। वहां भी ऐसे पूछते हैं शेर की करे सवारी और एक हाथ में मुंडी एक में तलवार एक में दस दस हाथ दस में से नौ में तो हथियार एक में मुंडी और नीचे शेर की सवारी और इससे ज्यादा रुद्र रूप और क्या होगा इससे ज्यादा रुद्रता और कुछ हो सकती है, है? मैंने अत्यंत क्रूर कष्ट क्रूरता का रूप है ये और यदि वो कह रहे हैं कि ऐसे ही रूप यहाँ भी पूज्य हो जाएगा तो फिर इसमें और उसमें अंतर क्या रहेगा। वहां दस हाथ में हथियार है यहाँ एक हाथ में हथियार है लेकिन हथियार तो यहाँ भी आई गया ना। तीव्र मिथ्यात्व भाव से जिनमत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है जिसके मिथ्यात्व तीव्र होता है मैंने विपरीत मान्यता जिसकी तीव्र होती है वो इनको मानता है क्या करे। इस प्रकार क्षेत्रपाल आदि को भी पूजना योग्य नहीं है तथा गाय सर्प आदि तिर्यंच गाय वगैरह ना इनको भी लोग पूछते नागपंच में पूछते हैं अपने जैदी लोग शाम को दूध पिला देंगे भाई ये काम आ जाए कभी अपने क्या बता कौन काम आ जाए काम क्या गाय गाय की पूजा करते हैं एक तरफ जो है गाय को अच्छे से श्रृंगार करे और वो बिचारी खड़ी नहीं रहे तो उसको एक मारे गाय के ऊपर भी दया तो ही नहीं है नहीं बस उसके अनुसार होना चाहिए उसका श्रृंगार वृंगार करते हैं ना वो बिचारे को कर देते कुछ भी लगा देते हैं उसके फंस जाता है वो उसको परेशान होती है लोगों को अच्छा लगता है लोग लगता है हम इसकी वो कर रहे हैं गोवर्धन दिवस मना रहे हैं तो गाय की सर्प की तिर्यंचों को तथा गाय सर्प आदि तिर्यंचे प्रत्यक्ष ही अपने से हीन भाषित होते हैं अपने से हीन है बेचारी गाय बेचारी यूं ही भूखी रहती है तो एक जरा सा कचरा दे उसके लिए भाग लग जाती है और सर्प भी अपने से हीन है उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं उनकी निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है तिरंज गति के जीव है तथा वृक्ष अग्नि जलाति के स्थावर है ये तो तिरंजों से भी अत्यंत हीन अवस्था को प्राप्त देखे जाते हैं तो एक इंद्रिय विचार कौन वृक्ष पेड़ की तुलसी की पूजा कर रहा है कोई कोई अग्नि की पूजा कर रहा है अग्नि देवता है किसी का जल देवता है दुनिया भर के अंदर सब में देवता है कि किसी जमाने में लोगों ने इसलिए किया होगा कि भैया जल को मत ढोलो इसलिए जल ही देवता है आज भी नारे लगे रहते कई जगह जल ही जीवन है किसी ने कह दिया जल ही देवता है क्यों तो जल ढोलोगे तो पीने को ही नहीं मिलेगा तो लोगों ने पूजना चालू कर दिया। वृक्ष वृक्ष वैसे बहुत काम का है हवा देते मतलब उससे बहुत लाभ है
तो वो वृक्ष के लाभ होने की वजह कोई काटे नहीं उसको, इसलिए कि ये देवता है तुम काटोगे तो पाप लगेगा, अभी उसको पूजने ही लग गया। तो ऐसा क्या है, लोक में कई बार बड़े लोगों को कोई व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है, बुरे लोगों को, गांव का आदिवासी उसको क्या करे, समझाने के लिए ही बताना पड़ता है कि देव है ये और तुम करोगे तो तुम्हारे गांव पे तकलीफ आ जाएगी, पानी नहीं गिरेगा यहाँ पे बस। फिर देखो आप तमिलनाडु में ऐसी कई मूर्तियां हैं जो खुले में पड़ी हुई है, दिगंबर मूर्तियां, और वो उनको यदि ले जाना चाहो आप कि साहब हम हमारे मंदिर में रख देंगे तो वो मंदिर में नहीं ले जा देते, वो क्या मानते हैं कि इसकी वजह से हमारे गाँव में पानी यहाँ गिरता है और ये मूर्ति चली गई तो हमारे गाँव में पानी गिरना बंद हो जाएगा, तो आप वो मूर्ति नहीं ले जा सकते, ऐसी ऐसी अनेक मान्यता है उनकी, क्या करो। तो इसलिए वो जो लोगों की जो एक बार दिमाग में धारणा बन जाए ये पानी आ रहा है इससे, इससे ये हो रहा है, उससे वो हो रहा है, तो पुराने लोगों ने बहुत सारी तरकीबें अपनाई और अपनाई, लेकिन वो तरकीबों का उल्टा असर भी हो गया, उन्होंने कहा जल जीवन है तो उन्होंने जल पूजा करना चालू कर दिया, मैंने वो बैलेंस नहीं रहता ना उसको, या तो इसको जल निरर्थक ढोलेगा और या फिर जल की पूजा ही करने लग जाएगा। तथा शस्त्र दवात आदि अचेतन्य में सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष वासित होते हैं, उनमें पूज्य पने का उपचार भी संभव नहीं है, इसलिए इनका पूजना मां मिथ्या भाव, इनका पूजना होता है क्या, तब पूछते क्या पर इनको, पूछते नहीं, पूछते पूछते इनको दिवाली के दिन पूछते ना, दवात पे साथिया मानेंगे, उस पर लच्छा लगाते हैं, दवात पे जो भी घर में चीज आती है ना, बही पे नहीं मानते, पत्ता लगाते हैं, डोरी बांधते हैं, पताशा रखते हैं, सवा रुपये रखते नहीं रखते आप लोग, ये सब चीजें दी उन्होंने, ये सब क्या क्या, दवात और शस्त्र, शस्त्र की पूजा कब होती है, दशहरे पे, ये सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष वासित है, उनके उनमें पूज्य पने का उपचार भी संभव नहीं है, किसी प्रकार से उनमें पूज्यता आए, इसलिए इनका पूजना महामिथ्या भाव है, इनको पूजने से प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भासित नहीं होती, इसलिए इनको पूजना योग्य नहीं है, ना प्रत्यक्ष में कुछ फल दिखता है, कुछ इनको पूजने से कुछ फल मिलता है, और अनुमान से विचार करें कि कुछ इनको पूजने से कुछ फल मिलेगा तो कुछ फल प्राप्ति नहीं होती, फिर भी इनको पूजता है, तो इसलिए इनको पूजना योग्य नहीं। इस प्रकार सर्व ही कुदेवों को पूजना मानना निषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्व की महिमा, लोक में तो अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंद मानते हैं क्या, और मोहित होकर रोड़ो तक को पूजते हुए भी निंद मना नहीं मानते, रोड़े है ना, रोड़े मरे जो पत्थर लगा दिया क्या, रातों रात सिंदूर हो गया, सुबह चालू सिंदूर लेके आएगा, सबसे सस्ते भगवान क्यों, क्योंकि सिंदूर मिलता है, कोई ज्यादा महंगा तो मिलता नहीं, और सिंदूर और तेल, तेल लाया उस पर सिंदूर लगाया वो भगवान हो गया, ये ओटला है ओटले पे लगा दिया, ये अपन यहाँ आते नहीं इधर, यहाँ गुरुवार को चालू हो गया एक नया कार्यक्रम, थोड़े दिनों पहले था ही नहीं, पता नहीं कब से वो नया एक कार्यक्रम चालू हो गया, एक नए देव हो गए वहाँ पे आ गए, स्थापित हो गए, हर गुरुवार को जिसमें वो हो गया, जो भी बाबा हो कौन सा ही बाबा है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि कितनी जल्दी काम होता हो, यहाँ तो अपने यहाँ तो पूरी पंचकल्याण प्रतिष्ठा होती है, उसकी पूरी विधि विधान होता है, हैं कोई कुछ है ही नहीं, चाहे जिन रातों रात इतनी फास्ट काम हो रहा है, तो लोक में तो अपने को अपने से जो हीन हो उसको उसके सामने नमन करने में अपने को शर्म आती है, और यहाँ रोड़ों के सामने भी पूजने में इसको कोई निंद बना भाषित नहीं होता। तथा लोक में तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसी की सेवा करते हैं, और मोहित होकर कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा ऐसा बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं, ये भी विचार नहीं करते इनसे प्रयोजन मेरा कैसे सिद्ध होगा, ये कौन से मेरे प्रयोजन की सिद्धि कर देंगे, इनसे भला मेरा क्या हित होगा, ये सब बिना विचार किए उनका सेवन करते हैं। तथा कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न आते हैं,
हजारों विघ्न होते हैं उन्हें तो गिनता नहीं है, और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इसके सेवन से ये कार्य हुआ। जो जवाहरलाल जी नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब है उसमें एक बात लिखी है कि हिंदुस्तान में अंधविश्वास इतना फैला हुआ है कि यदि किसी को शीतला माता आ जाए, मतलब वो चेचर आ जाए, तो क्या करते हैं, शीतला माँ को पूछते हैं, वो झाड़ पूछ करते हैं, उसका इलाज करते हैं, इलाज और शीतला माँ को पूछते झाड़ फूक करते करते उसकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए और दूसरा बच्चा उसके उत्पन्न हो और उसको भी चेचक हो जाए, तो उसको चेचक हो जाए तो भी वो वही उपचार करेगा, कौन सा, झाड़ फूक वाला, और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे छह बच्चे मर जाए उसके और सातवां उत्पन्न हो जाए तो सातवें को भी झाड़ फूक ही करेगा। वो ये नहीं सोचता कि यार इतने मर गए मेरे, छह छह मर गए, अब कम से कम एक बार इसका थोड़ा डिफरेंट उपचार कर लो, क्यों, क्योंकि एक करके देख लिया, दो बार छह बार कर करके देख लिया ना अपन ने, छह बार करने पर भी कुछ नहीं हुआ बल्कि वो छह बार मर गए, तो चेंज कर लो थोड़ा, लेकिन वो चेंज करने के पक्ष में नहीं होता, इतना रिजिड, क्या घोर मिथ्या, जो मैंने समझ रखी है वो बिल्कुल सही है, उपचार तो इसका यही है, जबकि अपना किसी एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता वो दिखे तो अपन क्या करते, डॉक्टर बदल देते, उससे भी नहीं होता तो अपन बदल देते, पहले कोशिश करके देखते हैं, बदलते ही ना आदमी, लेकिन यहाँ तो वो कुछ भी नहीं करने को तैयार। तो ऐसे ही हजारों विघ्न आते हैं, हजारों तकलीफ आती है, लेकिन उसको गिनता नहीं है, और कोई एकाध काम हो जाए तो ये कहता है ये इनके द्वारा हुआ, इनके सेवन से मिला है काम हो गया। दुनिया में अनेकों लोग हैं जो इनको नहीं पूज रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, हिंदुस्तान के अलावा बाकी जो जितने भी देश है उनमें तो कोई इन देवी देवताओं को पूजने वाला ही नहीं, उनके काम कौन करा रहा है, और यहाँ भी बहुसंख्यक लोग तो इनको मानते ही नहीं, उनके काम कौन करा रहा है, तो ऐसे ही है। तथा कुदेव आदि का सेवन किए बिना जो इष्ट कार्य हो उन्हें तो गिनता नहीं है, और कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है इनका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ। अभी कुछ हो जाए ना, समझ लो मेरे कोई जरा सा पाँव से फिसल जाए यहाँ से सड़क गया, समझ लो चढ़ाव से जाते हैं, तुमने आज ये प्रवचन में कहा था ना, देखो ये अब अपन रोज दस दिन से प्रवचन में कह रहे हैं, हम तो यदि होना था तो किसी और दिन भी हो जाता ना, आज ही के दिन क्यों हुआ। लेकिन बस कोई एकाध कोई उदाहरण पकड़ लेगा और उसका उदाहरण पकड़ के कहा देखो ये इसी कारण हुआ, ये तकलीफ इसी कारण हुई, हमने जब से जो है ना हमारा मकान दक्षिण दिशा का लिया ना तब से हमारे घर में तकलीफ ही तकलीफ आ रही है, तो आप आके कुछ इसका निवारण करो। मैं क्या निवारण करूँ, इसका निवारण क्या है, उत्तर दिशा का मकान है मतलब निवारण क्या है असली है तो पता ही नहीं है। भगवान के मंदिर होते हैं तो मंदिर की मूर्तियों की अदला बदली कर देगा, पहले यहाँ थे अभी यहाँ रख देगा, फिर देखा इससे भी ठीक नहीं हो जाए यहाँ रख, फिर ये ठीक नहीं हो जाए ऊपर रख दिया, ये नहीं है। मैं जहाँ जिस मंदिर में पूजा करने आता हूँ भगवान बदलते रहते हैं, स्थान बदल जाता है। मैंने कहा कब भला होएगा भैया तुम्हारा, किसी दिन भगवान भी स्थिर होंगे कि नहीं होंगे। किसी ने कहा कि ये भगवान के सामने इनकी दृष्टि ठीक नहीं पड़ रही है, तो इनकी दृष्टि ठीक पड़े तो इधर करो, तो इधर कर दी, तुम्हारे घर में अब तक इसीलिए बुरा हो रहा है, क्यों, क्योंकि भगवान की दृष्टि सही नहीं है। अब भगवान की दृष्टि से इनके घर के भले बुरे का क्या संबंध है, कोई बोल गया कर दिया, चेंज कर दी सब व्यवस्था, हम कलश कर रहे हमारे तकलीफ होने लग गई, हमने कहा क्या कर रहा है भैया बाबा आदमी, बोले नहीं मेरे को कहा हमने ऐसे ही होगा क्या। फिर दूसरा आया उसने कहा वास्तु के सामने ठीक नहीं, फिर उसने चेंज कर दिया अच्छा है बोल भगवान। फिर तीसरा उसने कहा दृष्टि भगवान की बाहर नहीं जा रही, भगवान की दृष्टि बाहर जानी चाहिए खुले में, तो उसने और कुछ व्यवस्था करी, और रोज आए दिन कुछ ना कुछ व्यवस्था होती रहती है, लेकिन कुछ क्या हो, जो असली कारण है उस पर तो दृष्टि नहीं है, बस मंदिर की मूर्तियों को बदलना है और भगवान को बदलना है, उससे क्या होगा, क्या अपने को पता नहीं क्यों नहीं बदलना चाहता जी, परमे क्यों बदलाव करके अपना भला चाहता है, भला तो अपने को बदले तो अपना ही भला हो जाए, और अपने को भी बदलना क्या है, अपने को समझना है कि अपन क्या है,
पहली बात तो भला की चाहना ही लोग कषाय है वही मिथ्यात्व, वो मतलब कषाय की चाह ही पाप है, पता नहीं क्या है संसार के अंदर इतनी इसके नाम पे इतनी तोड़ा फोड़ी होती है, अच्छे खासे बढ़िया मकान टूट जाते हैं, अच्छी बढ़िया बढ़िया अच्छी व्यवस्था समाप्त हो जाती, क्या करो, जिसके बुद्धि में आ जाए जो आ जाए सकल है। कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है इनका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ, इतना नहीं विचारता कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो तो जो पूछते हैं उनकी इष्ट होगा, नहीं पूछते उनके अनिष्ट होगा, परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार किसी के शीतला को भूख मानने पर भी पुत्रादि मरते देखे जाते हैं, यदि कह रहे ना इनके यदि इन्हीं के अधीन यदि इष्ट अनिष्ट होता तो जो पूछते उनके इष्ट होना चाहिए और जो नहीं पूछते उनको अनिष्ट होना चाहिए, परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं पूजने वाले के भी इष्ट दिख रहा है और पूजने वाले के भी अनिष्ट दिख रहा है। जैसे उनका उदाहरण दिया उन्होंने कि जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी, शीतला देवी को बहुत मानते फिर भी पुत्र आदि मरते देखे जाते हैं और किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं, इसलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं। अब ये प्रश्न की आखिरी देखो, यहां कोई कहे कि कार्यकारी न हो तो न हो, भाई काम का नहीं हो तो नहीं हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता है, उनका क्या बिगड़ रहा है, डोब दे दी तो अपना बिगड़ के गया। तो उसका उत्तर, यदि बिगाड़ ना हो तो हम किस लिए निषेध करें, परंतु एक तो मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, उस व्यक्ति को यथार्थ मोक्ष मार्ग की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि में फंसा रहता है ना, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, और वो जो उनके चंगुल में फंस जाता है तो उससे निकलना ही मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा बिगाड़ है, और दूसरे पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, ये बिगाड़ है, और इनको पूजने से पुण्य बंद होता है कि पाप बंद, पाप बंद होता है, तो एक तो वो बिगाड़ हो रहा है और मिथ्या तो दृढ़ हो रहा है, ये बिगाड़ हो रहा है। यहां कोई पूछे मिथ्यात्व आदि भाव तो अतत्व श्रद्धा आदि होने पर होते हैं और पाप बंद खोटे काम करने से होते हैं, सो इनके मानने से मिथ्यात्व आदि और पाप बंद किस प्रकार होंगे, कोई हम हिंसा तो कर नहीं रहे, झूठ बोल नहीं रहे, चोरी नहीं कर रहे हैं, कुशील सेवन नहीं कर रहे हैं, परिग्रह नहीं जोड़ रहे हैं, तो पाप का है काम, और सात तत्व का विपरीत श्रद्धान करो तो मिथ्यात्व है, तो यहाँ तो तत्व की कोई बात ही नहीं है तो मिथ्यात्व का है, जबरदस्ती तुम्हारे कहने से मिथ्यात्व पाप बंद हो जाएगा, ऐसा उसका प्रश्न, उसका उत्तर, प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट माननी मिथ्या है, सबसे पहली बात तो कोई परद्रव्य इष्ट है और कोई अनिष्ट है माननी मिथ्या है, क्यों पुत्र इष्ट है और पुत्री अनिष्ट है ये मानना मिथ्या ही नहीं, महावीर जी काय के लिए जाते हैं, पुत्री के लिए हो जाता है, पुत्रों के लिए जाते हैं, ये मिथ्या मान्यता है, सब आत्मा है कि अलग है बताओ, सब चैतन्य आत्मा समान है, ये तो एक ढांचा है ऊपर का, तो आज किसी को कौन सा ढांचा मिला, कल कौन सा ढांचा मिला, आज अपन ने कौन सा कपड़ा पहन लिया, कल कौन सा कपड़ा पहन लिया, उससे कोई आत्मा में बदलाव नहीं आया है, आत्मा तो सबकी समान है, सब आत्मा है, तो हमने आत्मा पने से न देख के उनको क्या देखा, पुरुष स्त्री रूप में देखा, तो यही मिथ्यात्व पहले नंबर पे, तो और यदि महावीर भगवान सही में बच्चे ही देते हो तो वो तो वास्तव में बहुत बड़ा जेंडर इम्बेलेंस फैला रहे हैं, मतलब वो जो है मतलब ये स्त्रियों को कम करके और लड़कों को अधिक कर रहे क्या, तो वो तो और एक तरह से सरकारी दृष्टि में देखा जाए तो वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो क्या, यहाँ तो लगा रहता है सब जगह यहाँ अस्पतालों में कि यहाँ ये चेकअप कराना मना है और यदि तुमने करा तो तुमको जेल हो जाएगी, और वो महावीर भगवान जो है वहाँ तो इकट्ठे दे ही रही है, तो सरकार बेचारी इतनी कोशिश कर रही है कि लड़कियों की संख्या जो है वो कम नहीं हो और लड़कों की संख्या बढ़े नहीं, तो वो भगवान महावीर स्वामी तो उल्टे ही काम कर रहे हैं, काय के लिए जा रहे वहां लड़के के लिए जा रहे ना, तो पहली बात तो किसी को अनिष्ट मानना और किसी को इष्ट मानना मिथ्या है, ये भेदभाव ही मिथ्या है क्या, दूसरी बात
क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु तो है ही, क्यों? कोई मित्र शत्रु है नहीं। अरे जिसको हम मित्र मान रहे हैं वो शत्रु हो जाए, जिसको शत्रु मान रहे हैं मित्र हो जाए। पुत्र जो है ना, पुत्र पुत्र को कहते हैं, पुत्र जो है सबसे पहले जन्मते ही अपनी पत्नी छीन लेता है, वो बड़ा होता है तो अपना धन छीन लेता है, छाती पे खड़ा हो कहता है निकालो क्या क्या है अंदर छुपी है क्या, और ज्यादा नींद है तो उसके ऊपर केस ठोक देता है, बाप बेटे लड़ रहे केस के अंदर, जेल क्या क्या करें। तो इसलिए ये कोई इष्ट, कौन इष्ट है और कौन अनिष्ट है, व्यर्थ की मान्यता है, कोई किसी का मित्र शत्रु है नहीं। तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसका कारण पुण्य पाप है, जो अपने लिए इष्ट रूप प्रवर्तन करता है उसका कारण पुण्य का उदय है, और जो अपने अनुकूल प्रतिकूल प्रवर्तन करता है उसका कारण कौन है, पाप का उदय। मतलब जो लोगों की मान्यता ना, पुत्र पुत्र पुण्य का उदय से, पुत्र को पुण्य, पुत्र प्रतिकूल प्रवर्तन है तो पुण्य का उदय की पाप का, और पुत्री अनुकूल प्रवर्तन है तो अपने पुण्य का उदय। इसलिए जैसे पुण्य बंद हो पाप बंद न हो वो काम करना, इनको पूजने में कुछ नहीं होने वाला है। तुमको अपना भला बुरा भी करना है तो अपना भला बुरा करने के लिए जैसे पुण्य बंद हो काम करो, पर अपना बुरा नहीं चाहते हो तो पाप मत करो, इनको पूजने से कुछ नहीं होगा ऐसा कि तुम्हारा बुरा नहीं हो, ये तुम्हें पाप बांधोगे तो बुरा ही होगा। तथा यदि कर्म उदय का भी निश्चय ना हो, भाई हमको तो कर्म का कोई निश्चय नहीं यही करते हैं, और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करें, क्या यदि बाह्य कर्म, मतलब यदि इसको समझ लो धर्म पे कोई श्रद्धा ही नहीं, मैं कोई कर्म वर्म को नहीं मानता हूं, तो तू कर्म को नहीं मानता है तो इन देवी देवताओं को कैसे मानने लग गया, मतलब अदृष्ट को नहीं मानता हूं कि कर्म दिखाई नहीं देता तो मैं नहीं मानता, तो देवी देवता भी तो अदृष्ट है तो इनको तू मानता है और कर्म के उदय को नहीं मानता। यदि तेरे को फिर तेरा भला बुरा करना है तो जो दृष्ट जो कारण है उन कारणों का उपाय करे कि अदृष्ट का उपाय करे। मैंने अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और वो जो है या तो वो उपाय करे लौकिक जो भी कोई सफलता प्राप्त करने की, और यदि उसको धर्म पे श्रद्धा ही करनी है तो कर्म के उदय की श्रद्धा करे ना, वो ये देवी देवता की कहां से श्रद्धा उत्पन्न हो गई उसको, ये पूछ रहे पंडित कि यदि वो या तो क्या करे, वो यदि उसको कर्म के उदय का भी निश्चय न हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग योग का उपाय करे, मैंने उसको तो इष्ट संयोग चाहिए अनिष्ट संयोग नहीं चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसको, उसको उसके लिए उपाय करना चाहिए लौकिक जो भी उपाय है। परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती। देखो एक तो ये क्या बिगाड़े बता रहे कि कुदेव को मानने वाले के कभी इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, पर द्रव्यों में उसकी इष्ट अनिष्ट बुद्धि बनी रहती है और बल्कि बढ़ती है, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है, तथा उससे पुण्य बंद भी नहीं होता पाप बंद होता है। तथा कुदेव किसी को धनाधिक लेते या छुड़ा लेते, धना देते या उससे छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिए वे बाह्य कारण भी नहीं है। फिर भी मान रहा आदमी किसी को देते हुए दिख रहे क्या कि वो देने आया हो, मैंने देखे, या किसी से छुड़ा रहे हो, तो जब वो देते नहीं दिखाई देते, किसी से छुड़ा लेते नहीं दिखाई देते, तो बाह्य कारण भी नहीं है। इनकी मान्यता किस लिए की जाती है, फिर लोग क्यों मानते हैं इतना जब गड़बड़ है, तो ये प्रश्न की आखिरी में कि साहब यदि इतना गलत है तो फिर इनकी मान्यता लोग क्यों करते हैं, किस अर्थ की जाती है, तो उसका उत्तर जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो। कौन सी बुद्धि? भ्रम बुद्धि। जीवादि तत्वों के श्रद्धा ज्ञान का अंश भी न हो और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं और तब कुदेवों की मान्यता होती है। कितना बढ़िया उत्तर दिया है, यानी इनको मानने वाले के राग द्वेष अति तीव्र है, मिथ्या भ्रम बुद्धि बहुत अधिक है क्या, और जीवादि सात तत्वों का श्रद्धा ज्ञान का अंश भी नहीं है क्या, सात तत्वों के नाम पूछो वो भी नहीं मालूम है, नमोकार मंत्र का अर्थ पूछ लो नहीं मालूम है, और राग द्वेष इतने हैं कि पूछो ही मत, कषाय अत्यंत तीव्र है और बुद्धि पूरी भ्रम बुद्धि है,
तो तब जो कारण नहीं होते हैं उनको भी ये मान के पूजने लगता है, जो कोई कुछ कह दे, मतलब क्या मेरे को तो कैसे भी चाहिए चीज। मैंने पहले बताया ना, जैसे किसी को पुत्र चाहिए तो उसको किसी ने कहा तू गोबर खा ले, पुत्र हो जाएगा, गोबर खा ले कि भाई हमने तो ये मजाक में कहा था, हमने मजाक में कहा था, मेरे को लगा इससे हो जाएगा, अपना क्या है गोबर खाने में। तो इतनी उसकी लालसा है कि आप चाहे जो करा लो उससे, वो उसके लिए पागल हो रहा है। तो अति तीव्र लालसा है ना, लोग बलि देते। तो एक तो राग द्वेष की अति तीव्रता, तत्व श्रद्धा ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, खासकर एक गांव वगैरह के अंदर तो बहुत अधिक है, भ्रम बुद्धि है बिल्कुल, कोई बताने वाला नहीं, यथार्थ ज्ञान देने वाला नहीं है। और राग द्वेष अति तीव्र है, तब जो कारण नहीं है उनको भी कारण मान के पूछते हैं, इष्ट अनिष्ट के कारण नहीं है फिर भी इनकी कुदेव को मानते हैं, पूछते हैं। ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर, मतलब अपने में यदि ऐसा मिथ्यात्व भाव पाया जाए, ग्रहित मिथ्यात्व, तो मोक्ष मार्ग अपने लिए अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। इसलिए अपने को इसका सेवन नहीं करना। बाकी चर्चा में बात।